हरियाणा के भाजपा नेता अनुभव अग्रवाल से की गई मुख्य बातचीत। अनुभव अग्रवाल ने हरियाणा की जनता को संदेश दिया कि भाजपा पार्टी के 4 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने जो जनता से वादे किए, उन वादों को उन्होंने बहुत जल्द पूरा किया है। और इसी तरह अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने भी अंबाला शहर में काफी विकास किया है और इसी तरह समाज में लोगों की सेवा करते रहेंगे। भाजपा नेता अंबाला शहर से अनुभव अग्रवाल जी मौजूद हैं। आज हम इनसे मुख्य सवाल पूछेंगे कि अपने जो लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है इस समय, इनके बारे में 2 शब्द कहेंगे कि इन्होंने 4 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके बारे में 2 शब्द। देखिए, ये जो कार्य किए हैं 4 साल में, मेरे कहने की क्या बात है, जन जन से पूछेंगे, मीडिया के माध्यम से पूछेंगे, आम पब्लिक से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि 4 साल में कितने कार्य हुए हैं। अगर कोई विपक्ष का आदमी ये कहता है कि वो हमारे यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग उस समय याद करते हैं, तो उस टाइम में अंदर से ये बात होती है कि वो दिन याद करते हैं जब देश में बिजली नहीं होती थी, हाईवेज का, गलियों का, सड़कों का क्या हाल था, या वो दिन याद करते हैं, क्या वो दिन याद करते हैं जब बुढ़ापा पेंशन कितनी हुआ करती थी, आज कितनी पेंशन है, क्या वो दिन याद करते हैं तो जब बिजली का क्या हाल था, जब 6-6 घंटे कट के परेशान थे पब्लिक, आज पूरी बिजली मिलने के बाद क्या वो पढ़ाई दिन को याद करेंगे, क्या नौकरियों में जो मेरिट नहीं होती थी जिसको चाहे उसको नौकरी देते थे, वो दिन याद करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, वो जब काम करते हैं पुराने दिन की बात करेंगे तो पुराने दिन का महत्व ही नहीं है, इतना कार्य हुआ है। और 2019 की अगर हम बात करें तो कहीं दूर तक भी सोचने की बात नहीं कि मोदी जी के आने के लिए कोई शंका है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2002 में जब गुजरात से उनकी यात्रा शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि इन्होंने केशुभाई पटेल की गद्दी ली है तो 2002 में हम जीतने नहीं देंगे, तो 2002 में जीते। जब 2007-5 साल बाद का समय आया तो पूरी कांग्रेस, पूरी यूपीए, पूरी पार्टियों के खिलाफ गुजरात में लग गई। इससे भी बड़ा सीन था, तो आप सोच रहे ना महागठबंधन हुआ, इससे बड़ा महागठबंधन लड़ा था उनके खिलाफ कि साथ में तो उनको हरा ही देंगे, वो और बड़ी ताकत के साथ आए। फिर पूरी यूपीए ने 2012 में कहा कि कांग्रेस को बचाना है, यूपीए को बचाना है, तो इसको रोक लो, इसको रोक के बिना, मोदी जी के रोक के बिना ये देश से सत्ता चली जाएगी। क्या रोक पाए वो? तब भी नहीं रोक पाए। 2014 में भी यही सीन हुआ, यही राष्ट्रीय राजनीति में भी होना है, देश की गद्दी के लिए भी होना है कि वो जो है जब मर्जी चाहे उसको रोक नहीं सकते। मोदी जी अपनी गद्दी अपने आप छोड़कर जाएंगे, ये बात पक्की है।